जिसे उसका पति अपनी पत्नी के रूप में देखता था और परिवार के लोग बहू के रूप में जानते थे, पर दूसरे चेहरे के बारे में किसी को कानो कान भनक नहीं थी, जिसका दीदार सिर्फ और सिर्फ उस महिला का आशिक करता था, जिस पर महिला अपने पति के पीठ पीछे बेपनाह प्यार लुटाती थी और बंद कमरे में उसके नापाक एहसासों के साथ अपनी जिंदगी में रंग भर रही थी, ये सोचकर कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और दोनों का राज राज ही रहेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक दिन बंद कमरे का राज खुल गया और गांव के लोगों को इसकी भनक लग गई। फिर क्या, आशिक हर बार की तरह अपनी माशूका से मिलने के लिए पहुंचा था। दोनों जैसे ही स्याह रात के सन्नाटे में बंद कमरे में गए, वैसे ही गांव के लोगों ने दरवाजे पर दस्तक दे दी, जिसकी दस्तक सुनकर दीवानों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं और आशिक के जान पर बनाई। जब लोगों ने दरवाजा खुलवाया तो दोनों एक दूसरे के साथ लिपटे मिले, धड़कनें तेज थीं। उसके बाद दोनों को बाहर निकाला गया तो दोनों का चेहरा बेनकाब हो गया और महिला के सिर से शराफत वाला घूंघट उतर गया। उसके बाद जो हुआ उसमें इश्कबाज फंस गया। देखिए इस रिपोर्ट में लव सेक्स के बाद कैसे फंसा इश्कबाज। शादीशुदा महिला का इश्क बेनकाब, आपत्तिजनक हालत में पकड़ाया प्रेमी, गांव के लोगों ने घर में रंगे हाथों पकड़ा और दोनों की जमकर के पिटाई। 7 साल से चल रहा था अफेयर। तस्वीरों में जख्मी हालत में दिख रहे इस युवक और इस महिला की कहानी सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे दोनों के चेहरे के पीछे की हकीकत जानकर गांव वाले दांतों तले उंगली दबा रहे हैं, क्योंकि इस महिला के घूंघट के पीछे का चेहरा बेनकाब हो गया है। इसके बंद कमरे का राज खुल गया है, जिसे गाँव के लोगों ने रंगे हाथों बंद कमरे में पकड़ा, वो भी आपत्तिजनक हालत में, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है और दोनों की नापाक मोहब्बत की चर्चा गांव से लेकर शहर तक हो रही है, जो बेतिया के गोपालपुर थाना इलाके से सामने आई है, जिसके बाद से महिला अपने प्रेमी के साथ रहने का जिद कर रही है। ऐसे में इश्क वाला लव सेक्स के बाद बुरी तरह से फंस गया है, क्योंकि वो भी शादीशुदा है, जिसके गाँव के लोगों ने उसकी शादीशुदा माशुका के साथ पकड़ा है, जो एक बच्चे की माँ है, जबकि प्रेमी की पत्नी गर्भवती है। ऐसे में आशिक अपने शादीशुदा माशुका को रखने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन माशुका है कि उसके साथ ही रहने की जिद कर रही है, जिसका पति प्रदेश में मेहनत मजदूरी करता है। बताएंगे लव सेक्स के पीछे की पूरी घिनौनी कहानी, लेकिन उससे पहले महिला ने जो कुछ कहा है वो सुन लीजिए। अगर ना जाए तो हम कुछ कल हमारे ताना फाना लोग दी लो तो हम मर जाएंगे। कुछ पहले तुम लगे दूर लग रहे हैं सुन लिया आपने। इससे पहले भी महिला अपने आशिक के पास भाग कर गई थी, तब मामला किसी तरह शांत हो गया और पति पत्नी के बीच समझौता हो गया, लेकिन उसके बाद फिर से दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ गए, समाज और परिवार से नजरें चुरा कर इश्क फरमाने लगे। महिला भी अपने पति के पीठ पीछे अपने प्रेमी के नापाक एहसासों के साथ जिंदगी में रंग भरने लगी। प्रेमी भी अपनी पत्नी को धोखे में रखकर नापाक मोहब्बत को परवान देने लगा। जब लोगों ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ा तो फिर से दोनों की प्रेम कहानी चर्चा का विषय बन गई और महिला का चेहरा बेनकाब हो गया, जिसे समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा। 7 साल पहले जानकारी के मुताबिक चनपटिया थाने के गिधा पंचायत के वार्ड नंबर 1 के रहने वाले बुधन साह का बेटा बिट्टू का गोपालपुर थाने के दक्षिणी घोगा पंचायत के वार्ड नंबर 6 की रहने वाली बेबी देवी के साथ पिछले 7 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बेबी का पति प्रदेश में मेहनत मजदूरी करता है, जिसका फायदा उसकी बीवी
बेदी उठा रही थी और अपने आशिक के साथ उसके नापाक एहसासों से जिंदगी में रंग भर रही थी, जिससे एक बच्चा हुआ है, जिससे बेबी अपने आशिक का बच्चा बता रही है। और लड़का क्या करो? लड़का इनके हो। बच्चे नाम है इनका? हाँ, बिट्टू नाम है। हाँ? बिट्टू। बिट्टू। कहाँ घर है? बीता। तार घर कहाँ है? होगा। बच्चे नाम बता। देवी देवी। कितना दिन से तो नहीं के चल रहा था? यार 7 साल से हमने से बतियाओ था। का को आत लान के अरे काम कइले बान हरे संबंध बैंक के रखो के पहिले के भी उनके रहिया आई का काम से दवाई चले बान हम। नापाक मोहब्बत की चाहत में दोनों समाज और परिवार के से नजरें चुरा कर एक दूसरे से इश्क फरमाते रहे, ये सोचकर कि किसी को नापाक मोहब्बत की भनक नहीं लगेगी और बंद कमरे का राज राज ही रह जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 5 अगस्त को जब प्रेमी के सिर प्यार का भूत सवार हुआ तो वो सीधे अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंच गया। स्याह रात के सन्नाटे को चीरते हुए जिसकी भनक लगते ही गांव के लोगों ने दोनों को बंद कमरे में आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया और दोनों का बदनाम रिश्ता बेनकाब हो गया। उसकी माशूका उसके गले की फांस बन गई। कैसे ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना समाज के बीच घटी है। जानकारी के मुताबिक 5 अगस्त को बिट्टू अपनी प्रेमिका बेबी से मिलने उसके घर पहुंचा था, जिसकी भनक गांव के लोगों को लग गई। उसके बाद आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए, जिसकी भनक दीवाने बिट्टू को नहीं थी और ना ही उसकी प्रेमिका को। हर बार की तरह वो घर में घुस गया, लेकिन जैसे ही दोनों एक दूसरे के आगोश में समाए वैसे ही गांव के लोगों ने दरवाजे पर दस्तक दे दिया और दोनों का खेल बिगाड़ दिया। गांव के लोगों ने दरवाजा खुलवाया तो दोनों आपत्तिजनक हालत में मिले, जिसके बाद लोगों ने दोनों को बाहर निकाला और प्रेमी की जमकर पिटाई कर दी, जिसकी तस्दीक आशिक के चेहरे पर दिख रहे जख्म के निशान कर रहे हैं। उसके बाद नापाक मोहब्बत की खबर पूरे गांव में फैल गई। देखते देखते मौके पर भारी भीड़ जुट गई। जब लोगों ने महिला से सच जानने की कोशिश की तो बिट्टू की प्रेमिका ने नापाक मोहब्बत के सारे पन्ने पलट दिए और पूरा सच बता दिया है और कहने लगी, अब मैं तो रहूंगी तो अपने आशिक बिट्टू के साथ ही, क्योंकि सच जानने के बाद मेरा पति मुझे नहीं रखेगा। वहीं जब लोगों ने बिट्टू से पूछताछ की तो बिट्टू ने पहले तो महिला को अपने साथ रखने से मना कर दिया, यह कहकर कि वो शादीशुदा है, लेकिन जब गांव के लोगों और महिला ने दबाव बनाया तो राजी हो गया। मामला सामने आने के बाद प्रेमिका बेबी देवी कह रही है कि अब मैं रहूंगी अपने प्रेमी के साथ ही, क्योंकि इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है, अगर बिट्टू अपने साथ नहीं रखेगा तो मैं मर जाऊंगी।
मामला सामने आने के बाद प्रेमी बिट्टू अपनी प्रेमिका बेबी को रखने के लिए तैयार हो गया है। वही बेबी का कहना है कि वो जैसे रखेगा मैं वैसे रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्रेमी ने एक शर्त रख दी। शर्त ये है कि वो अपनी माशुका को अपने घर में नहीं रखेगा, जिसे प्रेमिका बेबी ने भी मान लिया है और अपने प्रेमी के साथ रहने को तैयार हो गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामला सामने आया है, अगर शिकायत दर्ज होगी तो पुलिस मामले की जांच करेगी। लेकिन जिस तरह महिला ने नापाक मोहब्बत के चक्कर में अपने पति के साथ धोखा किया है और आशिक ने अपनी बीवी को दगा दिया है, उससे दोनों सड़क पर आ गए और दोनों का बदनाम चेहरा बेनकाब हो गया है, जिसके बाद आशिक फंस गया है, जिससे सबक लेने की जरूरत है। ना कि नापाक मोहब्बत की चाहत में रिश्तों को ताक पर रख कर जिंदगी में रंग भरने की। जैसे बेबी का बसा बसाया घर उजड़ने की कगार पर है और आशिक की जान पर बनाई है, ऐसे में रिश्तों की मर्यादा को समझने की जरूरत है, ताकि पति पत्नी का पवित्र रिश्ता कायम रहे और ऐसी नौबत ना आए जिससे परिवार के साथ पूरा समाज शर्मसार हो। न्यूज 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वो लोग बेहद खुशकिस्मत होते हैं जिनके पड़ोसी नेक दिल होते हैं, लेकिन पड़ोसी जब अपने पड़ोसी को गंदी नजर से देखने लगें और उनके मन में पाप समा जाए तो अंजाम बुरा होना तय है।